की अवधारणा यही है। इतने पूजा पूजा करने से कुछ नहीं होता है, पहले तो अपने मन की अवधारणा को परिवर्तित करना पड़ेगा। ये पहला बात सीधा प्रश्न है। हम जो डिजायर करते हैं कि हमने इतना अच्छा किया, हमको फल नहीं मिला, उनको मिल गया, कि हम सोचते कि हम जो पाप का कर्म है उसने हमको मिला, हम लेने के लिए तैयार है, ईश्वर के हमें सुख देने वाले विषय समझते हैं, तो दुख कौन बनाता है? शैतान बनाता है। शैतान को किसने बनाया? पड़ोस ने। ये एक प्रश्न है जिसका उत्तर खुद को ढूंढना पड़ता है। यही हमारा पहला कमी है सोचने में। दूसरी कमी जो है, हमें भगवान को प्रतीक रूप से आदमी की तरह बना दिया, कपड़ा पहनाया, सबसे अच्छे सोना पहनाए, राजा पूजा, ये राजा अभिषेक जैसे पूजा में होता है, और सब कुछ कर दिया, एक ह्यूमन फॉर्म और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिया। भगवान माने हम जितना समझते हैं ऐसे देते रहोगे, इतने बड़े गए तो ह्यूमन एट्रीब्यूट देना सीखाऊ, ठीक है। और जब ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया, हम इसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते। जैसे हमारे यहाँ पर है कि तुमको अगर पैसा, तुमको अगर फूल चढ़ाएंगे तो फल देना, नहीं दोगे तो मंदिर नहीं जाऊंगा, अगर करो तो 108 केला चढ़ाऊंगा, और इनडायरेक्ट राइट, नहीं दूंगा तो थ्रेट, बहुत दे दो ऐसे लोग, अब मुझे क्यों ऐसे बन गया जाओ बीमार, उसको क्यों हो गया ऐसे ईर्षा। भगवान की परिकल्पना भी नहीं था स्टोन एज में, तो लोग किसको पूजा करते थे जो इनसे स्ट्रॉन्गर होगा। आग स्ट्रॉन्गर था, बिजली स्ट्रॉन्गर था, कछुआ से भी स्ट्रॉन्गर था, रहता है सांप जो इसके करते थे। तो रिलीजन बेसिकली रोज बिकॉज ऑफ फियर। पहले हम जब सभ्य हो गए, संस्कृति हो गए, संस्कृति आ गया, उसको अलग प्रकार के रूप दिया गया। स्टार्टेड आदिमान वो फियर था, अपने जो हायर ना हायर लेवल से वो करता था, उनको बहुत सांप पूजा में सब हो जाता था। तो आस्ते आस्ते उनको ह्यूमन फॉर्म से रूप सब खुल दे दिए, हमने भगवान बना दिया है रूप को, अब उसको पास सारी जिद्दी करने लगे। बात ही बच्चे क्यों ना जिद्दी करें, वेरी गुड, क्यों नहीं करें। बस बाप जो है, बच्चे जो है बाप माँ का बोझ उठाते हैं क्या? नहीं उठाएंगे। तो अगर जिससे आप मांगते हो उनके लिए कुछ कर्म किए हो क्या? वो नहीं करेंगे, वो प्रसन्न नहीं है। यही बात सेकेंड भ्रांति, हम अपने चाहें एंड डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रिजल्ट इन ए डिजायर्ड टाइम इन द डिजायर्ड क्वांटिटी एंड क्वालिटी कस्टमाइज प्रेयर्स। हे भगवान हमारे झोली भर दे, ठीक। तो भगवान ने झोली भरते हो क्या? भगवान ने झोली भरने क्या हम सब है, तो हम किसी को कुछ देते हो क्या? ना देते। चलो हम यहाँ पर तो लोग काफी परिवर्तित हो चुके हैं, ये ब्रह्म हो गए। और एक प्रश्न है, यू कैन रिकॉर्ड दिस, ये अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता नहीं है प्रभु, ये सही है कि अच्छा कर्म का अच्छा फल नहीं मिलता, तो फिर गीता कहा जाएगा? गीता में जो लिखी है अच्छे कर्म का अच्छे फल मिलना है, तो बुरे कर्म के बुरे फल मिलेंगे, जब दोनों एक्सेप्ट करना है करो, नहीं तो कहा के लिए कर्मण्यवाधिकार है तो बाप बल, इसलिए तो कहा गया कर्मण्य करो फल क्यों, तो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं तो क्या फिर करोगे क्यों? अगर कोई कहा यू डू एन एक्टिविटी बट रिसोर्सेज नॉट इन योर हैंड, तो अच्छी तरह काम करो तुमको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा ना, पेंशन मिलेगा अरे से लेबर कैपिटलिस्ट लेबर को कहता है यार तू बात दादा 10 रुपया 12 रुपया काम कर 14 रुपया पर तेरे भत्ता में बढ़ाई नहीं होगी, विल दैट वर्क? नहीं ना, इट डजंट वर्क, वो नहीं होगा। दैट इज ए डिफरेंट वे, डिफरेंट थिंग। हम इसलिए हम जिसको अपने कर्म कहते हैं, ये कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, कुकर्म है, आकलन हम खुद ही कर लेते हैं। कर्म है, कुकर्म है, कर्म अकर्म है, विकर्म है, विगत बिगड़ गया कर्म
कुकर्म है, अकर्म है, जो कर्म ही नहीं है। जो कोई लोगों ने कहा कर्म छोड़ के भगवान ना बैठो, वो अकर्म है क्या? प्रश्न सोचो, टाइम फॉर एवरीथिंग नाउ। तो इसलिए हम सारे 100 करोड़ अच्छे कर्म का फल ना अच्छा होता है, ना 100 करोड़ बुरे कर्म का फल बुरे होता है, क्योंकि वो बुरे कर्म कुछ नियत अगर कुछ हो जो कि अच्छे लोगों को भला करता है, तो वो आपको पता नहीं, तो उसको किसको पता है? ये बुरे आदमी का अच्छा कर्म है, वो कुछ अच्छा करा होगा, उसका कर्म चाहे बुरे दिख रहा हो, कभी कभी बुरे मां चाटा मारता है दो चार, कर्म बुरा नहीं, समथिंग यू ए सी समथिंग एक्सीडेंटली उसका दांत टूट गया, लेटर से पिट पिट से इंटेंशन तो मारने पड़ी था, एंड इट डिपेंडेंस इज एन आउट। तो जो खराब कर्म देखता है नेसेसरी खराब कर्म है, जो अच्छा कर्म हम कहते हैं अपने ईगो में, हम अपने को बहुत महान समझते हैं, हमें अपने ईगो के अंदर अपने को एसेस कर लेते हैं, हम तो ये हैं। ये ज्यादा हम लोग जैसे जो सरकारी में रहे धनबाद रहे उनको देते बच्चों, उनकी ईगो बढ़ जाता है, एक्चुअली मैनी पीपल्स होते हैं वो सोचते हैं वही सर उनका वही अवस्था लेके यमराज के वहाँ जाए, क्षमता वाली जो क्षमता चाहते धन चाहते, धन भी एक क्षमता है, इवन भक्ति का ढोर भी एक क्षमता है, सब क्षमता के अंदर अहंकार को रोकने पर चलते हैं। तो वो अच्छा फल का अच्छा फल कौन देता है, अब बुरा फल का बुरा कौन नहीं करता है, दोनों एक ही व्यक्ति होंगे। चलो भगवान, अगर भगवान नहीं समझते, चलो कोई प्रकृति का के नियम है, अगर भगवान डिफाइन नहीं कर सके, प्रकृति कोई नियम है जो जानता है कि क्या करना उचित पड़ेगा, इसके कर्म का प्रत्युत्तर क्या देना पड़ेगा, उसका उस कर्म का प्रत्युत्तर क्या देना पड़ेगा, वो इंटेलिजेंस जानता है, दैट इज सच अ पैसिव इंटेलिजेंस इन नेचर, उसी को ईश्वर कहते हैं। और प्रकृति तो करके समझने के लिए जो बुद्धि मिलियन से मिलियन मिल्की वे में चलाता है, एटम के अंदर भी चलाता है, क्या उसकी वो बुद्धि इतना नहीं है इन बिटवीन, ये हम और आपके बुद्धि को परख ले, हम और अपने बुद्धि को परख लेगा। इसलिए ये धर्म और आध्यात्मिक ये सब कर्म के बारे में बहुत बड़ा भाषण नहीं करके, पर सिद्धि सरल रास्ते का ही कि प्रकृति अपने वर्धनशील है, क्रमवर्धमान, द नेचर ऑफ नेचर इज टू ग्रो इन अ सर्टेन मैनर। एक पेड़ लगा है, एक छोटी सी बीज से कितने बड़े फल फूल आए कोई नहीं जानता, कॉज सिमिलर इन द कॉज ऑफ एवरीथिंग कैन बी वेरी स्मॉल, द इफेक्ट कैन बी सो बिग यू कैन नॉट कंट्रोल, सो कॉज इफेक्ट अपने कर पाएंगे, इतना छोटा सा मैं करो क्या था, इतना बड़ा कैसे रिएक्शन हो गया, ऐसा हो जाता है, एक छोटे से बीज कभी कभी इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, आपको पता चलता है कि क्या उसमें बीज में क्या, यू डोंट नो, बट यू आर एसेसिंग, छोटा बीज जिसको खा जाते हैं क्या चक्कर है। सो ये जो छोटा बीज इतना बड़ा होने का जो प्रोसेस है, जो इंटेलिजेंस है इसको बिल्ड किया, वो है क्या, इंटेलिजेंस कैसे पाया जाए, उसका भगवान कह सकते हैं, देवी शक्ति के अंदर मांग करते कुछ भी कहो। अच्छा, जितने आर्मी में जाके शत्रु को मारते हैं वो सब बड़ा रन से मारते हैं, पर उनको आप उपाधि देते हैं, उनका सब स्वर्ग को जब महाभारत में सब चले गए युद्ध करके कुछ स्वर्ग को, इसलिए कि कुछ कॉज में मारते थे, आप कहोगे तो बड़ा रहे डेफिनेटली, बट इसको क्यों आप तो इसको महत्व करके दे रहे हो कि कॉज क्या था, तो एपरेंटली बैड एक्ट ऑफ ए मर्डर होमिसाइड, इट इज नॉट कैलकुलेटेड होमिसाइड, नॉट अबाउट ट्रीटिंग मर्डर, इट एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड होमिसाइड, एवरी अबाउट टू मर्डर, आप प्लीज करते हैं। तो इसीलिए जो जो अपना दुखी रहता है ना वो, तो अरे हाँ तो वहां मेरे ऐसे हो गए, इतना के मैंने इतना काम किया, सी टाइप्स, पहले अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव डन, दैट नॉलेज ऑफ जो इंटेलिजेंस है ना, जो महान इंटेलिजेंस है, उसके धारक सिद्धि कौन होता है, वही सत्यचा नहीं जो उन्होंने उस अपने को न्यूट्रल स्टेट में रहते हैं, वो कुकर्म नहीं करते, कर्म नहीं करते, वो अकर्म स्टेट में है, तो क्रियमान नहीं होते, दे डोंट गेट इन एनी टू एनी ऑफ दिस, दृष्टा भाव में रहते कि ये तो होना, ये होता कि नेचर करा रहा है, अगर हम नेचर को देखते कि
दृष्टा भाव बना सकते हैं, वेरी डिफिकल्ट। तो हमको कभी कभी अपने को समझ में आएगा, हम अगर हम सब डेटेड हैं अपने आइडिया में, हम अपने एसेसमेंट कर रखे हैं, उसने अपने मुंह में हाथ बिना प्यार से बोला, किसी से बड़ा पता नहीं, अब जाना माना उसको भाषा से ओके से, तो उसने जो भाव दिया तो भाव तो गया, आपने आहत कर दिया। जैसे पेड़ की, छोटे पेड़ को, एक पेड़ में तुलसी के फूल, तुलसी छोड़ो, एक पेड़ में लगाया तुमने, पेड़ लगाया लगन से, तुमने कुछ मेहनत किया, कुछ टाइम दिया, समथिंग यू हैव डन, वो पेड़ में बीज लगे, आस्ते आस्ते पकता हुआ। आप क्या चाहते रहे कि ये फूल पड़े या तुलसी बढ़े, कुछ बढ़े, हम सुखद रहे दूसरे सुखद रहे, तो उसका एंड नेचर क्या चाहता है, अब क्यों हेल्प करता है पेड़ बढ़ने से, नेचर भी चाहता है कि वो ग्रो करे एक पॉइंट तक जबकि दूसरों का हानि हो, नेचर अलाउ, व्हाई डज नेचर हेल्प एम्प्लॉयी टू ग्रो, छोटा बच्चा, सिंपल एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा मुझे आगे पूछा, गुरु जी ये किताब में पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं हाथ फेल हो गया, मैं तो चल गया थी, कहाँ से आ गई, आई मीन पिटिंग द लेक्चर, अगर मैं कहता ना लेक्चर तेरा कुछ नहीं तो पढ़ मैं तुझे पढ़ाऊंगा, आई एम गोइंग इन लाइन विद लेक्चर बिकॉज़ इट्स इंपॉर्टेंट। तो हम अब तो जितने काम कर गए जिंदगी में, अपन ही परिवार नौकरी बढ़ाते रहे, दूसरों का करते रहे, और एक बात बता दें, अपने परिवार को बढ़ाना कोई महानता नहीं, अच्छा है कि आपको जो दायित्व तो दिया भगवान आपने कर लिया, ठीक है, इवन बिल्ली पंछी कीड़े ये भी अपने बच्चों को पालते हैं विदिन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, दे आल्सो ग्रो देयर किड्स विद द लिमिट्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, हमने करते कौन सा बड़ा हो गया। हाँ, अगर एक बच्चा हम भला करते हैं इस प्रकार ट्रेनिंग देते तो देश की भला करता, देन व्हाट हैपेंस, देन वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी, इसलिए कहते हैं लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए तो पिंडदान का थ्योरी क्या है, तुम लोगों को बताया था कि पिंडदान काहे के लिए करते हो, आपके पापा का मर जाने के बाद बॉडी में खा क्या खाएंगे क्या नहीं, काहे के लिए पिंडदान करते हो, ऋण ऋण मुक्त होने के लिए, ऋण कैसे रह गया, क्या ऋण रह गया, पापा वहां तो चले गए, उनका आत्मा इंडिपेंड हो गया, व्हाट इज इट लेफ्ट दैट ऋण मुक्त होने का, पापा वहां चले गए, उनका बॉडी का हिस्सा हमारे बॉडी में रह गया, उनका जो कर्म का हम शरीर में आ गया था, वो जैसे कर्म करेगा उसके हिस्सा आपको जन पिता माता मिलेगा ना, और इसीलिए हम जो पिंडदान करते हैं पिंड के लिए, वो जो शरीर गया उसको याद रखे, थ्योरी को याद रखे, उसी तिथि में हम पिंडदान करते, पिंडदान करते बाकी जो मंत्र भी हो पंडित जी पर ये सब पिंड में करें, कोई किसी